अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हारे पे बिल्कुल खरोच नहीं है देखी। हारे को देख के कहीं मैं बहुत दूर चली जाऊं। हारे और हारे बापू की यादों के साथ में मेरी जिंदगी खुशी खुशी जी सकती हूँ मैं। वापिस वापिस तुम पकड़ो। भाभी सा ये क्या कर रही हैं आप? तुम पकड़ो। भाभी सा ये क्या कर रही हैं आप? भाभी सा रुक जाइए। अरे 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 किसी दे तो आप लो ये वाला आपका और ये वाला टूट जाएगा। तमाशा लगा रखा है ये वंश। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना अबीर के बच्चे की मौत की वजह से भाभी सा को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमें लगता है उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठी है। अब जरा देखिए इन्हें क्या कर सकते हैं। आओ चुकराम आओ पकड़ो इन्हें। स्टैचू तुम दोनों बाकी सबको पकड़ो। अरे बोला ना पकड़ो इनको। अरे अरे छोड़ो हमें। क्या हो रहा है ये क्या पागलपन है तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी है? हमें घर से बाहर निकालोगे? पागल हो गए हो? ये तो हुआ तेरी बदतमीजी का जवाब। अब सुनो तुम्हारे सवाल का जवाब। तुम लोगों को इस घर से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे तो तुम यहां से जाने वाले हो नहीं, तो जबरदस्ती करके निकालना पड़ेगा। क्या विश्वासी? सुनो अगर हमें छोड़ देते हो ना तो वो जो चॉकलेट हमें मिलती है ना आधा आधा कर लेंगे। प्रॉमिस शेयर कर लेंगे। छोड़ दो। बंद करो अपना नाटक और दफा हो जाओ यहां से। गार्ड्स निकालो इनको। अरे वाह देख तूने और मैंने एक जैसा टैटू बनवाया है। अब हम इसकी डोर से बन गए हैं। ये हमारे परिवार की निशानी है। पता है अब लोग क्या कहेंगे? जैसा बाप वैसा बेटा। ये आप रखिए। आप हमारे बच्चे को बनाइएगा। पता है मैंने बन्ना सा को वादा किया था कि वो चेन मैं थारे को जरूर पहनाऊंगी। बन्ना सा का दिया आशीर्वाद उनकी विरासत है। थारे ये तोहफा है। वो थारे को वो चेन मुझे वापस लानी होगी। इसके लिए हारे को हवेली में जाना होगा। वंश ये नाटक नहीं कर रही है और आप हमें अपने घर से क्यों निकाल रहे हैं? तुम्हारा घर मेरा घर। इस हवेली का मालिक मैं हूं। अरे वंश ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए।
और ये हवेली मेरी है, जिसको चाहो रखो, जिसको चाहो निकालू, और तुम जैसे अरे गोरों को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, समझ में आया? निकाल फेंको इन सबको यहाँ से। छोड़िए हमें, पांचे क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो। ओ भैया रोको रोको ना इनको। अरे क्या कर रही हूँ, छोड़ो। तुम परी हो, आसमान से आई हो हमें बचाने के लिए? देखो ना परी दीदी, वो जो दड़ियल खड़ूस अंकल है ना, उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रह सकते, बाहर फेंकने के लिए कहा। रोको ना, हमें नहीं जाना। डॉक्टर जी, आपको क्या हुआ? दीदी, तुम्हारे बच्चे के मरने के गम में भाभी सब पागल हो गई है, और ये वंश, इस वंश को पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ है कि हम सबको इस हवेली से निकालना चाहता है। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? विधि, तुम इस सबके बीच मत पड़ो, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ये लोग इसी लायक हैं, और शुक्र है कि मैं इनको सिर्फ घर से बाहर फेंक रहा हूँ, इन लोगों के साथ तो ना और भी बुरा सलूक होना चाहिए। और ये डॉक्टर तोमर, इनके बहकावे में मत आना, फिर से अपने किसी स्वार्थ के लिए ना ये नया ढोंग रच रही है, बस और कुछ नहीं है। ढोंग? ये ढोंग कर रही है? अरे एक बार उनकी हालत देखिए, सब कुछ खोए, अपना बेटा, अब तो डॉक्टर है ना, तो एक बार आप चेक करके बताइए कि ये नाटक कर रही है, सच में इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, चेक कीजिए। ठीक है, अभी इनका भांडा फोड़ देता हूँ। डॉक्टर तोमर कौन है? यही है ना, तुम्हारी जिंदगी भर की पूंजी, इसी को कमाने के लिए ना जाने कितने झूठ, कितने फरेब, क्या क्या नहीं किया, पैसा, जेवर। डॉक्टर साहब, बात सिर्फ डॉक्टर हुकुम के सच पता लगाने की हुई थी, बस वही कर रहा हूँ। तुम इधर आओ। हाँ, तुम्हें इस घर में रहना है? हाँ, हमें रहना है इस बड़ी हवेली में। यहाँ पे ना हम चोर पुलिस खेल सकते हैं, और अगर आप हमें रहने दोगे तो हम आपको पुलिस बनने का मौका देंगे। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? ये जो सामान पड़ा हुआ है ना नीचे, ये पैसे, ये सब कुछ, इसमें आग लगा दो। क्या? ये सब जला दो। हम अभी करते हैं। ये तो सच में पागल हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्हें और इनके परिवार को यहाँ रहने दूंगा, नहीं, ये लोग यहाँ नहीं रह सकते। निकलो यहाँ से, निकलो।
तुम सब निकलो यहाँ से। बस अब हिम्मत से आगे बढ़ती जाओ और हर उस अत्याचार का बदला लो जो तुम्हारे साथ हुआ। डॉक्टर साहब, हमें इस परिवार से जितना बदला लेना था हम ले चुके, हमने इन सबको सबक सिखा दिया, फिर आप क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए। बदला? तुम्हारा बदला तो हो गया, लेकिन मेरे बदले का क्या? मेरा बदला तो अभी शुरू तक नहीं हुआ है। आपका बदला? इतने महीनों से आपने मेरा साथ दिया, हमारी मदद की, लेकिन एक बार भी अपने बदले के बारे में जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा कि इस परिवार ने आपके साथ कुछ किया। इतने महीनों से आप बस मारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए आप मेरी मदद कर रहे थे। हाँ? नहीं मेरी, मेरी बात सुनो। दूर रहिए, दूर रहिए। हमने एक बहरूपे पर विश्वास किया, हमें लगा था कि हमारे कान्हा जी जो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, मतलब की दुनिया में एक सिर्फ आप है जिन्होंने जिन्होंने हमारी मदद की, लेकिन आप सबसे ज्यादा बुरे निकले। आपने हमारे विश्वास को छलनी किए, हमारी पीठ पर चुरा घोंपा है आपने। कहा हूं मैं तुम्हारा गुनहगार? धोखा दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन अगर आज मैंने इनसे बदला नहीं लिया ना, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, ना चैन से जी पाऊंगा ना चैन से मर पाऊंगा। अगर अपने प्यार के लिए इतना नहीं किया ना, तो लानत है मुझ पर और मेरे प्यार पर। प्यार? आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, प्यार। अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। ये बात 8 साल पुरानी, जब ना मैं डॉक्टर था ना मेरे पास पैसे थे, लेकिन एक चीज थी जो अनमोल थी, मेरे बचपन की दोस्त, मेरी जीवन साथी। हमारे जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में चैन, होठों पे मुस्कुराहट, जिंदगी का सुकून, सब कुछ था। और फिर हम दोनों की खुशियां दोगुनी होने वाली थी। हम दोनों पति पत्नी से माँ बाप बनने वाले थे, और उसे घुमाने के लिए मैं राजस्थान बाड़मेर लेकर आया। अचानक उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर गया, और वहां पता चला सिर्फ एक इंसान मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा सकता है, सिर्फ एक इंसान, ये करुणा तोमर। और फिर मैं इनकी चौखट पे आ गया मदद की भीख मांगने, मेरी बीवी मेरे बच्चे को बचाने, मुझे मेरी जिंदगी देने। डॉक्टर तोमर? अरे अरे, कहाँ 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 चले आ रहे हो? मुझे नहीं, नहीं कोई बात नहीं, दो मिनट के लिए डॉक्टर तुम्हारे से बात करनी है। डॉक्टर एक मिनट। अरे अरे मैडम, अरे हाथ दूर। मेरी बीवी, उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मेरी बीवी बच्चा दोनों बहुत बहुत खतरे में। डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप सर्जरी करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज। हाँ तो कर देंगे ना, अपनी बीवी को कल हॉस्पिटल ले आओ और 15 लाख जमा कर देना, कॉम्प्लिकेटेड है ना इसलिए। 15 लाख नहीं है मेरे पास मैडम, मेरा परिवार पूरा बिगड़ जाएगा। अरे बोला ना, हटाओ इसे, अरे हटाओ। क्या कर रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, समझने की कोशिश करो। अस्पताल है, चलाना पड़ता है हमें, पैसे जमा करवा दो, हम सर्जरी कर देंगे, उसके बिना तुम्हारी बीवी को हाथ तक नहीं लगा सकते। प्लीज निशांत ले जाइए। अरे भाई, चाहिए तो अपनी किडनी बेच दो, है ना निशांत, समझाओ इन्हें कुछ। मैडम प्लीज, आप प्लीज, मेरे बीवी बच्चे मर दे। ये कौन है भाभी सर? अरे है कोई फटेहाल जीजा, आप क्या बताएं, जेब में पैसे है नहीं, उसको सर्जरी करवानी है बीवी की, कह रहा है मुफ्त में कर दो। इन लोगों का इलाज हम फ्री में करेंगे तो हम क्या खाएंगे? चलिए भाभी साहब, जरा मदद करो निशांत की। प्लीज बचा लीजिए, मेरे भी बच जाएगा। पुलिस को बुला लेंगे अभी। और अगले ही दिन मैंने मेरी बीवी, मेरी जिंदगी को खो दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि इस परिवार ने उसका इलाज नहीं होने दिया उस दिन। मेरी बीवी की मौत की जिम्मेदार है ये
पूरा परिवार है उसकी मौत का जिम्मेदार। डॉक्टर साहब सुनिए, देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है हम में से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप पे क्या बीती होगी। लेकिन हमने भी किसी अपने को खोया, अपने प्यार को खोना बहुत दर्दनाक हो सकता है, हम जानते हैं। अब जिससे बदला लेना चाहते हैं आप, एक बार उनकी हालत देखिए। अरे भगवान पहले ही उनको सजा दे चुके अपने कर्मों की, सब कुछ खो चुकी है वो, आप पूरे परिवार को दुख क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि इस करुणा के पापों में बराबर का भागीदार है ये परिवार। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, निकलो निकलो, ये निकालो इन सबको, निकालो सामान लेके आओ इनका, निकालो सब। डॉक्टर साहब इतना बड़ा पाप मत कीजिए, आपको इतना बड़ा पाप नहीं करने दूंगी, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इन सबको यहाँ। तुम इनका साथ दोगी, इनके लिए लड़ोगी? भूल गई क्या क्या था इन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हें मारने की कोशिश की थी, और जब तुम लौट कर आई तो किसी ने तुम्हें पहचाना तक नहीं, और जब पहचाना तो ऐसा कि अबीर की मौत का इल्जाम लगा दिया तुम्हारे ऊपर। इनका साथ दोगी तुम? डॉक्टर साहब अगर आप एक उंगली सबकी तरफ उठा रहे तो याद रखिए चार उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही है। आपने भी छल किया, विश्वासघात किया हमारे साथ, हर को धोखा दिया है, अपना असली इरादा छुपा कर। उसके लिए तुम्हें मुझे जो सजा देना है ना, जो सजा देना है दे दो, लेकिन मुझसे इन्हें सजा देने का मौका मत छीनो, प्लीज। और तुम लोग चलो अपना सामान उठाओ, निकलो यहां से। सामान निकालो, मैंने बोला ना। लेके जाओ। रुक जाओ, ना डॉक्टर साहब, मैं आपको इन सबको यहां से बेघर नहीं करने दूंगी। दीदी ये हवेली मेरी है, और मेरी हवेली में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ये हवेली सिर्फ आपकी नहीं, ये हवेली सिया रघुवंशी की भी है, और मारे को बनाने वाले आप ही। हम आपकी पत्नी सिया रघुवंशी है ना, आपने सबके सामने मारी मांग भरी, तो इस हवेली पर मारा भी अधिकार हुआ। तो अब अपने पति होने का कर्तव्य निभाइए और अपनी पत्नी की बात सुनिए, और रहने दीजिए इन सबको यहाँ पे। हमने कहा था ना परी दीदी बचा लेगी, अभी रहे हो इतनी बड़ी हवेली में, अब रहना। मैं तुम्हें ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम अपने गुनहगारों से आंख मिलाकर सवाल कर पाओगी। अम्मे माँ, तूने मारे को कैसे दोराहे पर लाके खड़ा किया? एक तरफ मारे को डॉक्टर साहब की अच्छाई दिखाई देती है, और दूसरी तरफ उनका दिया वो इतना बड़ा धोखा। उन्हें हम देवता की तरह पूछते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं। ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? दूध का ग्लास लेकर आना, क्या मतलब है सबका? ये मेरी बीवी है और ये बच्चा मेरा है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं अब दूर रहिए हमारे से, ये गलत है। अब सोच भी कैसे सकते हैं कि ये? पता था मुझे तुम इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी, लेकिन मेरा इरादा भी पक्का है। देखो भाई,
मैं जो कर रहा हूँ ना सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। देखिए हम अकेले हैं लेकिन अबला नहीं। आपने आपने सोच भी कैसे लिया कि आप हमारे साथ ये सब कर सकते हैं? आपके दिमाग में ख्याल भी कैसे आया कि आप हमारे साथ सुहागरात मना सकते हैं? हाँ क्या सुहागरात तुम्हारा दिमाग? और नहीं तो क्या ये रात को पहनने वाले कपड़े, ये म्यूजिक, आपने दरवाजा बंद कर दिया? क्या 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 कर क्या रहे आप ये सब? ऊपर से आप ये गरम दूध भी ले आए। अरे डफर, गरम दूध प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए अच्छा होता है इसलिए लेकर आया था मैं। ये स्वागत मनाने के लिए नहीं था, पर मुझे मालूम था तुम वैसे तो पियोगी नहीं, इसलिए मैं जबरदस्ती तुम्हें पिला दूंगा। क्या? और क्या? और ये म्यूजिक दिमाग को सुकून देता है, मन की शांति देता है, प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए सब अच्छा होता है। और ये कपड़ा, इसके कपड़े को जाके झुके देखो, सॉफ्ट कपड़ा लड़कियों के लिए अच्छा होता है इसलिए नाइटी लेकर आया था मैं। लेकिन तुम बिना सोचे समझे हीरो को विलेन बना दिया। अरे एक बार तो सोच लेती, इतना गिरा हुआ इंसान हूं क्या मैं? हाँ मैंने तुम्हारी मांग भरी है, सबके सामने तुम्हें पत्नी कहा है, लेकिन सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, जिस तरह तुमने मुझे पति कहा है इस तोमर परिवार को बचाने के लिए। लेकिन विधि, तुम मानो या ना मानो, मैं कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघूंगा, मुझे मेरी मर्यादा पता है। और तुम भी एक बात याद रखना, अपनी कराटे ट्रेनिंग का भी मेरे ऊपर मत चलाना। तुम कलयुग की अर्जुन और मैं तुम्हारा कृष्ण। डॉक्टर साहब, मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को पता नहीं क्या क्या लग गया, माफ कर दीजिए। माफी मत मांगो, क्योंकि हमारे बीच लड़ाई खत्म नहीं हुई है। गलती से भी ये मत सोचना कि मैं तोमर परिवार को पक्ष दूंगा, ये बात याद रखना।